तो शुरुआत कर दो आप। हाँ तो अभी वैसे जो यहाँ से काफी लोगों को तो यही नहीं पता कि लंदन जा सकते हो आप बाय रोड। हाँ। तालिबान ने एक यूट्यूबर को अरेस्ट कर लिया है जिनके चैनल का नाम लॉर्ड माइल्स है। ये एक यूके के यूट्यूबर है। ये इनका अफगानिस्तान में ये सेकंड विजिट है। इससे पहले जब अफगानिस्तान गवर्नमेंट एंड तालिबान के बीच वॉर चल रहा था उस टाइम उन्होंने अफगानिस्तान में विजिट किया था और उस टाइम तालिबान के साथ इन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया था। उस टाइम इन्होंने ब्रिटिश आर्मी के इवैक्यूएशन के दौरान फ्लाइट में जगह मिल गई थी जिसकी वजह से उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ दिया था। लेकिन इस बार वो सेकेंड टाइम अफगानिस्तान पहुंचे जिसपे इन्हें तालिबान के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। एग्जैक्ट रीजन तो पता नहीं चल पाया है लेकिन इनके साथ दो और यूट्यूबरों को भी अरेस्ट किया है। अगली अपडेट अपने पास गोल्डन गाइस से रिलेटेड। जैसा कि आप देख रहे हो इनको गोल्डन गाइस के नाम से जाना जाता है। इन्होंने एमसी स्टैंड पर रिएक्ट करते हुए बोला कि उनमें ईगो आ गए है। आपको क्लिप देखिए। करता ना स्टैंड वैसी हरकत ही करता ना, नहीं करने मांगता ना। स्टैंड को थोड़ा सा एटीट्यूड आ गया है तो ऐसा नहीं चाहिए। वो मेरा खास है पर उसको ये मैसेज आप जरूर देना। ओके कि थोड़ा सा लोगों से प्यार करना भी जरूरी। ये आज एक कल नहीं होगा पर लोग हमेशा रहने वाले तेरे साथ और जो तेरे साथ हमेशा है उनको मत भूल नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती लाइफ में बहुत ज्यादा। तो इसे समझाना समझे कि क्या समझे इसको, उसको बुरा लगेगा तो ये बात बुरा लगने के लिए बोला है। अगली अपडेट अपने पास प्रणीति चोपड़ा एंड राघव चड्ढा से रिलेटेड। प्रणीति चोपड़ा को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि उनका एक वीडियो पहले पोस्ट हुआ था जिसमें वो एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि वो एक पॉलिटिशियन से तो कभी भी शादी नहीं करने वाली और बहुत से ऐसे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं जिनमें बताया जा रहा है कि प्रणीति चोपड़ा राघव चड्ढा से 10 अप्रैल को एंगेजमेंट करने वाली है। आप वो क्लिप देख सकते हैं। द प्रॉब्लम इज आई डोंट वांट टू मैरी एनी पॉलिटिशियन। आज के लिए हमारी सबसे लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज है इंडियन बैकपैकर से रिलेटेड। इंडियन बैकपैकर इंडिया से लंदन के लिए एक ट्रिप कर रहे हैं। इनके 3-4 चैनल है जिनपे ये अलग अलग तरीके का कंटेंट अपलोड करते हैं। इस ट्रिप के दौरान वो 20,000+ किलोमीटर कवर करने वाले हैं, साथ में 23+ कंट्रिया क्रॉस करने वाले हैं। इस कंप्लीट ट्रिप में उन्हें 105+ दिन लगने वाले हैं। इस ट्रिप के स्टार्टिंग के दिन उन्होंने एक इवेंट रखा था जिसमें उन्होंने क्या बोला आप खुद देखिए। उनकी कार भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी भाई। जैसे ही यहाँ पर ये बोनट शेयर कर रहे हैं फोटो में वैसे ही जर्नी शेयर करेंगे साथ में, है ना। तो मतलब क्या होने वाला है आपस में, पहले कंपैटिबिलिटी टेस्ट कर लिया है दोनों ने? हाँ, ट्रिप्स तो बहुत की हुई है, क्योंकि ये शादी की तरह हो जाएगा सिस्टम। एक बार हो गई फिर वापस नहीं आ सकता, कुछ नहीं हो सकता। इसमें समझाओ क्या क्या सिस्टम है। देखो भाई, दूर से भी लोगों को दिख नहीं रहा होगा, एक्चुअल में ये पूरी तरह से प्रिंट करवाया है, कस्टमाइज प्रिंट बिल्कुल। और यहाँ से शुरुआत कर दो आप। तो अभी वैसे जो यहाँ से काफी लोगों को तो यही नहीं पता कि लंदन जा सकते हो आप बाय रोड। हाँ। तो बाय रोड प्रॉपर रूट है वो, बट है चाइना के थ्रू होते हो। वो मैंने देखा था, वो भाई यहाँ से घूमते हैं ऐसे म्यांमार लाओस थाईलैंड, और मैंने उसमें ये देखा था उसमें चाइना के ऐसे रीजन आते हैं जहाँ सबसे ज्यादा मतलब वहाँ पहाड़ ठंडा भी आएगा बिल्कुल, वहाँ गर्मी भी आएगी, है ना, मतलब लद्दाख की ऑल्टीट्यूड भी आएगी वहाँ पे, और बिल्कुल वैलीज बिल्कुल अपना ये थार मरुस्थल भी आ जाएगा इतनी गर्मी में बिल्कुल। तो आपने वो चीज छोड़ दी? वो असल में छोड़ी नहीं, प्लान वही था एक्चुअल। हाँ। में 2 साल से, बट वो अभी कोविड रिस्ट्रिक्शन की वजह से चाइना का भी बंद कर रखा है रूट और म्यांमार ने भी कर रखा। अच्छा। तो अगर वो खुला होता तो हम उसी से जाते, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो कह रहे हैं कि हम अपने यहाँ नहीं आने देंगे। हाँ, वाह भाई वाह, खुद कांड करके दुनियादारी में कह रहे हैं बाहर से हम नहीं आने देंगे। फिर दूसरा रूट बनता है कि यहाँ से हम मुंबई जाएंगे गाड़ी लेके। हाँ। और वहाँ से गाड़ी शिफ्ट करवाएंगे। तो अच्छा, तो अभी यही कर रहे हो यहाँ से? उसके बाद हम जाएंगे मुंबई ड्राइव करके मुंबई, फिर यहाँ के जो पोर्ट है। हाँ। वहाँ से गाड़ी शिफ्ट होते हुए जाएगी। ओ भाई, ये देखो भाई लॉरी वॉरी पे चढ़ गई स्कॉर्पियो अपनी। तो ये ईरान है अपना, यहाँ पे बंदर आबाद जगह है यहाँ पर। अच्छा, फिर यहाँ से हमारी रोड ट्रिप जो है वो। तो यहाँ से ये बताओ, सबसे पहले जो भी ट्रिप मारता है वो बाहर लोगों ही लोगों लगवाता है तमाम भाई, मोटी सी बात है, मोटा खर्चा है, कहीं ना कहीं स्पॉन्सरशिप आनी है। तो अपना स्पॉन्सर कहाँ है? ये हमारे है 3 स्पॉन्सर्स है, बट उनके अभी स्टिकर्स आ रहे हैं थोड़ी। अच्छा, है ना। तो वो जगह छोड़ी हुई है अपनी। चलो, तो वो लगेंगे। नहीं तो बंदे कहते भाई कतई शौक किया है, मोटा छाप लिया इन्हें बिना स्पॉन्सरशिप के जा रहा है। अच्छा, यहाँ से होते हुए अपने इसमें जाके ईरान में डायरेक्ट, ये कितने दिन का रहेगा अपना यहाँ से यहाँ? ये वैसे तो 8 दिन है, बट कूलिंग पीरियड मिला के 12-13 दिन में पहुंचेगी। 12-13 दिन समंदर में रहोगे? चलो, हम नहीं, हम तो फ्लाइट से जाएंगे। अच्छा, गाड़ी पहुंच जाएगी 12-13। अरे मैंने कहा मौज मस्ती करते हुए जाते हैं। ये कंटेनर में जाएगी, जो शिपमेंट वाले कंटेनर होते हैं ना। ये कुछ नया होने वाला है, है? अब तक ये फॉलो किसी ने नहीं कराई ये चीज। लोगों ने करी है ये चीज, कई कंपनीज भी ले जाती है, बट प्रॉपर यूट्यूब पे किसी ने नहीं किया। चलो भाई, ये यहाँ से आ गए अपने आप
ईरान में, और उसके बाद ये महल वहल घूमोगे आप हैं, ये यहाँ का लोकल स्पॉट घूम के फिर यहाँ से लेकर अपना टर्की एंटर करेंगे। तो ये तो सबसे ज्यादा आप ईरान में ही रह रहे हो लग रहा है, पूरा पूरा सबसे ज्यादा हम यूरोप में रहेंगे। अच्छा यूरोप में, जो आप खिचड़ी पकी हुई देख रहे हो ये यूरोप है, तो चलो यहाँ पर ये आप गुब्बारों बारों में मजे ले लोगे, उसके बाद टर्की में टर्की मुर्गा खा लोगे, फिर उसके बाद यहाँ से जहाज वहाज मतलब पूरी मौज मस्ती का आपने वो बता रखा है कि क्या कहाँ कहाँ क्या करने वाले हैं, यहाँ सर्फिंग वर्फिंग करने वाले हैं। तो टोटल कंट्री कितनी है ये देखो, रुको रुको रुको, ये भाई दिल्ली टू लंदन 23 प्लस कंट्रीज। तो एग्जैक्ट फिगर नहीं पता थी क्या था? नहीं ऐसा होता है, यूरोप का जो शेंगेन वीजा है ना उसमें बहुत सारी कंट्रीज कवर होती है। ओके, हमने अप्लाई किया था 72 डेज का लेकिन दिया 30 दिन का ही। ओहो, तो अब हम जितनी कंट्रीज कर पाएंगे उतनी कर लेंगे उसमें। ये हो सकता है आगे कुछ बढ़ जाए, 25 भी हो सकता है या 21 भी, 21 भी हो, वहीं पे पता चलेगा। सेफर साइड के लिए 23 प्लस करवा दिया। चलो ये पूरा घूमते है, रोमानिया वगैरह, अल्बेनिया, सर्बिया वर्बिया, कहाँ कहाँ, अरे पूरा यूरोप है। यहाँ तक तो अपना ऐसा लग रहा समझ आ रहा है, उसके बाद ये सांप सा कैसा बन गया ये एकदम से? ये क्योंकि असल में क्या है ना, ये पूरा शेंगेन एरिया है। अच्छा, तो यूरोप में ही इतनी कंट्रीज है, जैसे अपने इंडिया में होता है कि आप दिल्ली से पंजाब जा रहे हो तो कोई बॉर्डर नहीं है, कोई चेकिंग नहीं है, ऐसे यूरोप में क्या होता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री आप बिना चेकिंग के जा सकते हो। अच्छा, तो समझ लो ये बल्गेरिया एक कंट्री है, ये रोमानिया एक कंट्री है, और इनके बीच में सिर्फ डिस्टेंस होगा 150-200 किलोमीटर। अच्छा, बहुत पास पास कंट्रीज है वहाँ की। चलो मतलब मैं जैसे उत्तराखंड से आया हूँ अभी, अपने कहाँ गुड़गांव, इतने में 2-3 देश में घूम आता बीच में। चलो भाई ये भी सिस्टम सही है। उसके बाद अपने घूमते घामते कहाँ लंदन पहुंच जाओगे? यहाँ पे हम फ्रांस पहुंचेंगे पहले। अच्छा, फिर फ्रांस के और लंदन के बीच में इंग्लिश चैनल है ये। अच्छा, इंग्लिश चैनल, हाँ। तो इसमें फेरी में जाएगी, हाँ। 2 घंटे की फेरी है, हम भी उसी में फेरी में होंगे। अच्छा, और गाड़ी भी फेरी में होगी। आज के लिए बस इतना ही, और डेली नई अपडेट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।